छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत 10 मार्च को महिलाओं के खाते में 1000 की राशि ट्रांसफर कर दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत 10 मार्च को महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर महतारी वंदन योजना के तहत 70,12,800 महिलाओं के खाते में 655,55,00,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, भिलाई चरोदा मंडल की अध्यक्षा सुषमा जेठानी, निगम के नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। इस कार्यक्रम के तहत नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा राशन कार्ड का भी वितरण हितग्राहियों को किया गया। इस मौके पर विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा व महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौर में जो वादा किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का, जो गारंटी था उस गारंटी के अनुरूप महतारी वंदना छत्तीसगढ़ में लागू करना था और इसे श्री विष्णुदेव साय की सुशासन कहा जा सकता है। और महतारी वंदना का आज प्रथम किस्त के तौर पर उनके खाता में राशि हस्तांतरित की गई है। मैं आदरणीय विष्णुदेव साय उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं, साथ साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री परमसदे आदरणीय नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के लोग उद्बोधन दिए, आशीर्वाद दिए और निरंतर हमारा भारतीय जनता पार्टी जो वायदा किया है उसको पूरा करते रहेंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास बनाने का वायदा किया था उसको भी पूरा किया है। किसानों को जो राशि देना है अंतर की राशि, वो 12 तारीख को सब किसानों के खाते में चला जाएगा। साथ साथ भूमिहीन किसान भाइयों को जो सालाना 10,000 रुपया देना है वो भी मिलेगा। उज्ज्वला योजना का लाभ, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। ऐसी सारी वादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत बहुत मैं पुनः हमारी सरकार को, बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस की सरकार ने वायदा किया था महिलाओं को 500 रुपया देने का, 5 साल रहने के बाद भी वो 500 रुपये नहीं दे सके, किस मुंह से बात करता है वो। आज परमादरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत हमारी माताओं बहनाओं खातों में राशि का अंतरण किया गया है, जिसमें हमारे भिलाई चरोदा नगर निगम के सभी माताएं बहनें उपस्थित थी, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे, माननीय विधायक महोदय यहाँ उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाए और सभी ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ हमने राशन कार्ड का भी वितरण किया है और इसके बाद उसमें जो बैग दिया जाता है उसके साथ उसका भी वितरण किया गया है। और सभी माताओं बहनों को मैं सभी को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ इसके लिए, और सभी को हार्दिक बधाई और सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाए। मुझे आज के इस प्रोग्राम में इतने उत्साहपूर्ण माहौल देखकर हमारे छत्तीसगढ़ के विकास और हमारे भिलाई नगर निगम चरोदा के विकास में के प्रति हम सभी कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेंगे। हमारे सभी जो है नेता प्रतिपक्ष महोदय, पार्षद महोदय सभी उपस्थित थे, सभी ने अपनी महती योगदान इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में दिया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। आज हम महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा हर विवाहित महिलाओं के खाते में 1000 रुपये दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आज हमारे सभी बहनों के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत ही सही काम किया है और हमारी बहनों को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कम से कम अपनी छोटी मोटी खर्चाओं के लिए पति बेटों के सामने में हाथ फैलाती थी, तो हमारी बहनें अपनी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें पूरा कर ले करके, और अभी कई बहनों के मोबाइल में मैसेज आ गए आज 1000 रुपये। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो महिलाओं के साथ हैं, समर्थन में हैं और हर महीना हमें लाभ देने वाले हैं, 1000 पैसा देने वाले हैं। इससे हम सबको बहुत लाभ होने वाला है, हम सब बहुत खुश हैं।
और अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा, हमको पूरा भरोसा है। मोदी जी हमेशा हमारे साथ देते हैं, दिल से हम सब बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं हम सब, हम सभी बहुत आभारी हैं उनके, बहुत बहुत धन्यवाद। दंतेश्वरी माँ बम्बलेश्वरी और माँ महामाया को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। दो हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली। इस मौके पर शामिल महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार दिल से व्यक्त किया। एसीएन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।